हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, चुस्त दुरुस्त, हष्ट पुष्ट, एकदम स्वस्थ आप लोग होंगे और ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट है कोरोना का, उससे बचे हुए होंगे। और अपना ध्यान रखिए सब लोग। और इसी बीच हम लोग शुरू करने वाले हैं अब दोबारा बीइंग ऑफिशियल क्लासेस और सेशंस, जो कि कुछ टाइम के लिए पोज हो गया था। बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में मैं आपको मैथ्स के सभी चैप्टर करा रहा था और बीइंग ऑफिशियल सेशन में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता था, एसएससी के सभी एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल का, वो सब चीज़ें अब मैं दोबारा से आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। कंटेंट तो बिल्कुल रेडी है सेशंस का, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके सब टाइप मैं कर चुका हूं ऑलमोस्ट। और अब डेली आपको मैं शाम को 7-7:30 बजे, मोस्टली 7:30 बजे आपको शाम को क्लास मिल जाया करेगी। और इसी बीच आपके लिए एक बहुत जरूरी सूचना, क्या कि आप लोग सीजीएल 2021 का फॉर्म निकल चुका है उसको एज सून एज पॉसिबल फिल कर लीजिए, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 23 जनवरी है और लास्ट के 5-7 दिन सर्वर डाउन रहता है, साइट बहुत हैवी होती है। और इसी हैवी साइट के बीच अगर आपका फॉर्म भरना रह गया तो आपकी सारी साल की मेहनत अधूरी रह जाएगी। तो आप लोग प्लीज एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल करें, और बहुत ध्यान से आप अपना फॉर्म फिल करना। अपने फॉर्म को फिल करने में आपको 20-25 मिनट लगाने हैं, और बात कर लेंगे इस वीडियो में कि अगली स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है, हम लोग आगे क्या क्या चीजें करने वाले हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 out of 50 स्कोर था मैथमेटिक्स में, और मेंस में मेरा 197.5 out of 200 स्कोर था मैथमेटिक्स में मेंस के पेपर में सीजीएल 19 के। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि मैं वापस आ चुका हूं आप सबकी सेवा में, दोबारा हाजिर हूं, दोबारा आप सबको मैथ्स की दुनिया में ले जाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं मैं, बहुत आसान कर देंगे चीजों को सारी। और मैं ये बता दूं कि जो 5 महीने बाद आज मैं दोबारा आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूँ, इसके बीच में मेरे क्या कारण रहे। मेरा पहली बात तो आप सभी को पता है कि 16 सितंबर को मेरा टाइपिंग टेस्ट था, मतलब सीजीएल 19 का जो मेरा टीयर 4 का एग्जाम था, जिसमें मुझे सीपीटी की तैयारी करनी थी, टाइपिंग की तैयारी करनी थी। एक महीना बचा था, 11 अगस्त को मैंने लास्ट क्लास ली थी, तो इस वजह से मुझे घर वालों का भी प्रेशर था कि आप कृपया करके इसको बंद करें अपने चैनल को थोड़े दिन के लिए और अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारा कुछ सीजीएल 19 का मेरा बहुत अच्छे से आप सबकी दुआओं से, बहुत आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा जा रहा था। तो इसी बीच मुझे टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए आपसे एक मंथ की छुट्टी ली थी मैंने। और उसके बाद फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया सीजीएल 19 का, और उसके बाद मेरे ब्रदर की शादी आई, जिसमें मुझे खुद को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप अदा करनी थी, मतलब सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर ही थी, सारी चीज़ों को हैंडल करना मेरे हाथ में ही था, और उसको मैंने बहुत अच्छे से निभाया। नवंबर तक मैं उससे निपटा हूँ अब, और आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं से सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से निपट गई, और कुछ हल्के फुल्के काम अधूरे थे वो सब निपटा के, थोड़ा बहुत आलस अपना दूर करके, जो कि 10-15 दिन लग गए मुझे, दोबारा आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूँ। दोबारा आपको सेशन, दोबारा आपको क्लासेस मैं आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड करने वाला हूँ, बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट के साथ। और हम लोग अब आगे क्या क्या करने वाले हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से मेरे 4000 सब्सक्राइबर क्रॉस्ड हो चुके हैं। ये जो आपने मुझे प्यार दिया है, बिल्कुल अमूल्य प्यार है मेरे लिए, अनमोल प्यार है जो आपने मेरे को इस 10 महीने के अंतराल में दिया। मेरे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है। 4000 घंटे चाहिए होते हैं एक चैनल को मोनेटाइज होने में, मेरे 15000 घंटे से क्रॉस हो चुके थे, तो मैंने अपना चैनल भी इसी बीच मोनेटाइज करा लिया, और आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टेंटेटिव कैलेंडर SSC ने लॉन्च किया है 2021 से 2022 के सेशन में, उसमें वो कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, कब उसकी एडवर्टाइजमेंट, मतलब कब उसका फॉर्म निकलेगा, कब एग्जाम होने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्या कि CGL 2021 का फॉर्म निकल चुका है 23/12, मतलब 23 दिसंबर 2021 को निकला था। टीयर वन जो इसका होने वाला है वो आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2022, मतलब अब जो अप्रैल आने वाला है उस अप्रैल में ये पेपर हो जाएगा, आपका टीयर वन का पेपर हो जाएगा। और मैं फिर बता दूं आपको कि 23 जनवरी लास्ट डेट है, आप 13 जनवरी या 14 जनवरी तक भर लें फॉर्म को, क्योंकि लास्ट के 5-7 दिन 10 दिन सर्वर इतना डाउन होता है, साइट इतनी हैवी चलती है, बहुत ज़्यादा रश होता है साइट पे, तो आपका फॉर्म कभी रह ना जाए। और इसी वजह से मेरा CHSL 18 का
फॉर्म रह गया था क्योंकि मैं लास्ट के 5 दिन रह गए थे और मैं फॉर्म नहीं भर पाया। लास्ट के 5 दिन इतना रश था साइट पे, इतना रश था कि मेरा फॉर्म ही नहीं भरा गया था। और कृपया ध्यान से भरें, जिंदगी के 15-20 मिनट निकालें और इस फॉर्म को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, फोटो सिग्नेचर के एक एक इन्फॉर्मेशन जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ CGL 2021 की, उसको देखें, परखें, अच्छी तरह बिल्कुल फॉर्म भरें। और फोटो और सिग्नेचर का खास तौर पर ध्यान रखें, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है अगर फोटो और सिग्नेचर में जरा सी भी दिक्कत हो। इसी वजह से मेरा CGL 18 का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, मैं एग्जाम नहीं दे पाया था और मेरी मेरी 1-1.5 साल की जो प्रिपरेशन थी वो इसी वजह से खराब हो गई कि मैंने फॉर्म ध्यान से नहीं भरा था। आप ये गलती मत करें, मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं आपको ये बहुत फोर्सफुली कह रहा हूं और बहुत आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ध्यान से बिल्कुल फॉर्म को फिल करें, उसमें एक एक चीज को ध्यान से पढ़ें और बहुत अच्छे से, क्योंकि 1.5 साल की बंदे की मेहनत होती है। और अगर वो जल्दबाजी में फॉर्म खराब चला जाए तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ता है। तो इस 1 साल को अपने बचाने के लिए फॉर्म ध्यान से भरें। मेरा CGL 18 का फॉर्म इसीलिए रिजेक्ट हो गया था और मेरा साल बिल्कुल खराब चला गया था, इसी वजह से मेरा CGL 19 का पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि CHSL 2021 का एग्जाम निकलेगा, 1 फरवरी को इसका फॉर्म निकलेगा और मई में इसका एग्जाम होने वाला है, फिर MTS का। ये सारी डेट्स आपके बीच में मेंशन है। और आप ये देख सकते हैं कि CPO 2021 का जो अब टीयर 1 होना है वो दिसंबर 2022 मतलब 2 साल के बाद होगा। जो पिछले वाला हुआ था वो नवंबर 2020 को हुआ था, नवंबर या दिसंबर 2020 को हुआ था और पूरे 2 साल के बाद अब CPO को रोका गया थोड़े टाइम के लिए। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि जो टीयर 1 होना है अब इसका वो दिसंबर 2022, और इसका फॉर्म भी आप देख सकते हैं अगस्त और सितंबर, मतलब अगस्त से सितंबर में इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो CPO में काफ़ी इन्होंने गैप डाला है और आप देख सकते हैं कि जो जो एग्ज़ाम आपको, मतलब आपकी जिस जिस एग्ज़ाम में रुचि है वो एग्ज़ाम की डेट आप देख सकते हैं कब उसका फॉर्म निकलेगा और कब उसका टीयर 1 एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है उस बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने अभी तक CPO 2020 के क्वेश्चंस किए सारे के सारे, CPO 19 के क्वेश्चन किए सारे के सारे, CGL 19 के क्वेश्चन किए सारे के सारे। और मैंने आपको बोला था क्या कि मैं आपको 2020 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैंने आपको 2020 में तब तक हुआ क्या था, CPO 20 के क्वेश्चन हुए थे सिर्फ, मतलब CPO 20 का एग्जाम हुआ था जब मैंने आपको ये चीज बोली थी कि मैं आपको 18, 19, 20 CGL, CPO, CHSL के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक हुआ क्या था कंडक्ट, सिर्फ CPO 2020 कंडक्ट हुआ था, CPO 19, CGL 19, CHSL 19 और ऐसे ही CPO 18, CGL 18 और CHSL 18, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया था, CPO 20 कर लिया था, CPO 19 कर लिया था, CGL 19 कर लिया था और CHSL 19 के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा था। तो इसमें जो यूनिक क्वेश्चन, मतलब जो अलग क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट मोड पे आते हैं, जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके थे वो रिपीट क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, CHSL 19 के यूनिक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या हुआ है कि CGL 2020 प्री का पेपर कंडक्ट हुआ, उसकी 21 शिफ्ट हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे CGL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन में सारे के सारे कराऊंगा, 21 शिफ्ट्स के, जो 21 शिफ्ट्स में मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे CGL 2020 के प्री के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के सारे आपको कराऊंगा। उसके बाद CHSL 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, 36 शिफ्ट में जो सारे क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और CHSL 19 के हमने एक ही वीडियो डाली थी जिसमें मैंने यूनिक क्वेश्चन कराए थे, तो CHSL 19 के भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अब हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, अब हमारा पैटर्न ये रहेगा कि सबसे पहले मैं CGL 2020 के 21 वीडियोस में सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा और मानकर चलना कि CGL 2020 का जो मेंस का पेपर होगा ना उससे पहले हम इसके जो प्री के क्वेश्चन है CGL 20 के वो सारे कर चुके होंगे। उसके बाद हम लोग CHSL 20 के करेंगे, उसके बाद हम लोग CHSL 2019 के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे क्या कि CHSL 20 और CHSL 19 के जो क्वेश्चन थे वो हमारा जो CGL 2021 का पेपर होने वाला, जो CGL 2021 का पेपर होने वाला है कब, अप्रैल में, उससे पहले हम लोग 2020 के SSC के सभी सेट्स और 2019 के SSC के सभी सेट्स, जिसमें हम लोग मेनली जो पेपर होते हैं, जो
एक लेवल आता है मैथ्स के क्वेश्चन का, वो सीजीएल सीपी और सीएचएसएल के पेपर में ही आता है, एमटीएस का कुछ लेवल नहीं होता। अगर आपने ये तीन पेपर सॉल्व कर लिया सीजीएल सीपी और सीएचएसएल, तो मानकर चलना एमटीएस के भी सारे कर दोगे, स्टेनोग्राफर के भी सारे कर दोगे, कांस्टेबल जीडी के भी सारे कर दोगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी सारे कर दोगे, मतलब सारे के सारे पेपर आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने सीजीएल सीपी और सीएचएसएल के क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर दिए, तो आप मानकर चलना कि हम लोग अब जो सीजीएल 2021 का एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, उससे पहले हम एसएससी के सभी एग्जाम्स जो कि 2020 में हुए और जो 2019 में हुए, उन सब के क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे। तो आप यहां से देख सकते हो कि CHSL 20 के क्वेश्चन कितने हुए, आपने देखा 36 शिफ्ट और एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो आपने देखा कि प्री के 25 क्वेश्चन की हम 36 शिफ्ट करेंगे, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 900। CGL 2020 के 900 क्वेश्चन, CHSL 2020 के 900 क्वेश्चन, CHSL 2019 के 900 क्वेश्चन और CGL 2020 के प्री के जो 21 शिफ्ट के क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में आता है 25 क्वेश्चन, तो ये टोटल कितना हो गया 525 क्वेश्चन हो गए। मतलब हम लोग आप मानकर चलें कि 2325, मतलब इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही, मतलब इससे कम क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब 2325 क्वेश्चन हम लोग टोटल कर लेने वाले हैं। कब तक? CGL 2021 का एग्जाम जो टीयर वन होने वाला है कब? अप्रैल में, उससे पहले हम लोग कर देंगे। डेली आपके लिए वीडियो आएगा 7:30 बजे शाम को, मतलब हम लोग 7:30 बजे डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियो होगी, तो आप उसको 2x की स्पीड पर भी देखें। तो ये वीडियो 15 मिनट या 12.5 मिनट, 15 मिनट, हद 20 मिनट में वीडियो खत्म हो जाया करेगी। और इसी बीच आप रेगुलर बेसिस पे आप देखें, जैसे कि आपने मुझे पहले बहुत प्यार दिया, जो मैंने आपको सेशन पहले प्रोवाइड किए थे, जिसमें हम लोगों ने सीपीओ 20, सीपीओ 19, सीजीएल 19 और सीएचएसएल 19 के क्वेश्चन, उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन की वो सीरीज मैंने चलाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो आपके लिए सीरीज चलाई थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि सर तैयारी में बहुत हेल्प मिला इस चीज से, कमेंट्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियोस पे जो बच्चों ने कमेंट किए हैं, इतना सारा प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, इतनी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी, उस चीज के लिए मैं आभारी रहूंगा। और इसी चीज से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ आगे कि अब बैक टू बैक जो जो चीजें हमारी रह गई वो सारे के सारी कवर करेंगे हम। सीजीएल 20 का एग्जाम बाद में हुआ, सीएचएसएल 20 का बाद में हुआ, तो उसके क्वेश्चन उठा लिए, सीएचएसएल 19 के रह गए थे वो उठा लिए, और अगर टाइम मिला, अगर बीच में एक मंथ का मुझे कहीं टाइम मिला जिसमें मुझे वीडियो डालने का मेरे पास मतलब कंटेंट ना हुआ, तो आप मानकर चलना कि आपको सीजीएल 18 जो कि मैंने कमिट किया था, सीएचएसएल 18 ठीक है, और सीपीओ 18 के क्वेश्चन भी सारे के सारे करा दूंगा। तो मतलब 18, 19, 20 का मकसद सिर्फ यही है कराने का कि आप लोग TCS, मतलब TCS ने 17 के बाद, मतलब TCS ने क्या किया था, पहले जो एग्जाम हमारा कंडक्ट कराता था वो सीफी कंडक्ट कराता था, SSC के सभी एग्जाम सीफी कंडक्ट कराता था, और उसके बाद वो जो स्ट्राइक वगैरह हुई और ये सीफी चीटिंग केसेस में पाया गया, तो उसके बाद TCS आया और TCS ने 18, 19, 20 का एग्जाम कंडक्ट कराया, मतलब 2018 से TCS ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया था। तो इसीलिए आपको बोला गया था कि 18, 19, 20 के क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता कि TCS किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। उसमें काफी हद तक मैं खरा उतरा, थोड़ा बहुत मेरा काम रह गया, पर कोई बात नहीं, वो सारी चीजें मैं आपके लिए दोबारा करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा। और उस जो पुरानी चीजें करी थी उसके लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, पेपर में काफी काफी हेल्प मिला बच्चों को, कईयों के 50 नंबर भी आए प्री में, 50 में से 50 नंबर भी आए मैथ्स में। तो इसके लिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप इसको फॉलो करेंगे ना, अगर ध्यान से आप इसको फॉलो करेंगे, 2325 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ 3 महीने में, तो आप जब इसको फॉलो करेंगे ना, आप मानकर चलना कि 15 अप्रैल के आसपास, मतलब बिल्कुल एट मोस्ट बात कर रहा हूं 15 अप्रैल के आसपास, आपका 19 और 20 में जो जो क्वेश्चन आया वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं चैप्टर्स की, चैप्टर्स में हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन एज हो गया, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, रेस नहीं हुआ अभी, और परसेंटेज की एक वीडियो हुई है, मतलब अब हम लोगों को क्या करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई, इंस्टॉलमेंट, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, पार्टनरशिप
और कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हम आफ्टर 24 अप्रैल, मतलब 24 अप्रैल को होगा मंडे, ठीक है, आज से दो हफ्ते बाद, मतलब 24 अप्रैल को होगा मंडे, एक बार इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, इसकी जो सीरीज में आपके लिए दोबारा लेकर आया हूँ, इसमें एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब दो हफ्ते रुक जाइए, उसके दो हफ्ते के बाद हम लोग ये चैप्टर भी करने शुरू कर देंगे। मतलब हम लोग सबसे पहले परसेंटेज करेंगे, और परसेंटेज के साथ साथ मैं आपको रेस का भी कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट CISI आप मानकर चलना, एक बात अप्रैल नहीं, सॉरी एक मिनट, जनवरी चल रही है, सॉरी मुझे CGL के प्री के एग्जाम की डेट याद आ रही है बार बार, ठीक है, तो 24 जनवरी से हम लोग शुरू कर देंगे, और मान करके चलना कि 31 मार्च तक, मतलब 31 मार्च तक हम लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे क्या, अरिथमेटिक मैथ्स बिल्कुल फिनिश कर देंगे, और उसके बाद हम बढ़ेंगे एडवांस मैथ्स की तरफ। अरिथमेटिक मैथ्स हमारा 31 मार्च तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस में आपको इसकी दे दिया करूंगा, ठीक है, चैप्टर्स की भी 3 से 4, मतलब बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में जो मैं आपको चैप्टर्स कराता हूं मैथ्स के, उसकी भी 3 से 4 आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, और आप लोग जुड़े रहें, तैयारी आप लोग करते रहें। और एक और चीज, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि डेली आपको अब 25 क्वेश्चन, मतलब CGL की हर शिफ्ट में आपको पता है प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो हर वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 25-25 क्वेश्चन की सीरीज होगी, ठीक है, और 20-25 मिनट में, आधे घंटे में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और CHSL 2020 की जो शिफ्ट होगी, तो वो देखेंगे कि मतलब जो मैं आपके लिए मतलब लाने वाला हूँ, वो दो शिफ्टों को कंबाइंड करके 50 क्वेश्चन ना ले आऊँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े आसान आते हैं, तो वीडियो भी कम बनेगी, टाइम भी बच जाएगा आपका भी मेरा भी। और CHSL 19 का भी ऐसा ही हिसाब करेंगे कि हम लोग 50-50 क्वेश्चन ही शायद कर लें, मे बी 25 भी कर सकते हैं एक दिन के, पर क्या पता 50 भी कर दें, क्योंकि आसान होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आती नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ठीक है। और 31 मार्च को ये हम अरिथमेटिक मैथ्स खत्म कर देंगे, उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स, और ये भी इतना टाइम हमें तब लग गया अरिथमेटिक मैथ्स करने में, क्योंकि कंटेंट अपने आप बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके लिए मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जो साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, फिर 4 बंदों का काम मुझे खुद करना पड़ता है, एक तो पहले तो मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, यूट्यूब करता हूँ, सारी चीज़ें करके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठे करता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है हर तरह का क्वेश्चन इकट्ठा करता हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन आए वो सारे आप लोग कर पाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो साबित हो सकते हैं, जो बैंक CDS LIC FCI PFO NDA CAT CSET के पेपर में जो जो क्वेश्चन मुझे मिलता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए इकट्ठे करता हूं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। और एक आप एक चीज देख सकते हैं कि जितना टाइम अब मुझे अरिथमेटिक मैथ्स कराने में लग गया ना, उसका आधे का आधा भी टाइम नहीं लगेगा जब मैं ये दोबारा आपको अरिथमेटिक मैथ्स करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट तैयार होगा, अभी मेरे पास कंटेंट नहीं होता, मैं हाथ के हाथ कंटेंट तैयार करके आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए इतना टाइम चला गया हमारा अरिथमेटिक मैथ्स करने में, इतना ही एडवांस मैथमेटिक्स करने में भी जाएगा। तो थोड़ा सा न्यू हूं इस फील्ड में, तो आपको पता ही है कंटेंट में किसी का चुराता नहीं, कंटेंट चुराना हो तो मिनट में सारे के सारे चैप्टर्स करा दूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसमें वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके PDF नोट्स में वहाँ पर डाल देता हूँ, क्वेश्चन बैंक तैयार करता हूँ वो डाल देता हूँ, और जो भी SSC कमीशन की तरफ से जो जो अपडेट आती रहती है किसी भी एग्जाम के, वो सारा का सारा मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, फेसबुक पर डाल देता हूँ, जो जो वीडियो मैं कंडक्ट करता हूँ उसके लिंक डाल देता हूँ, वेबसाइट पे जो जो नई चीज़ें आती हैं उसके लिंक सारे डाल देता हूँ, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको टेलीग्राम फेसबुक पे, आप लोग ज्वाइन कर लें, पेज को लाइक कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक सारों के मिल जाएंगे, और यूट्यूब चैनल तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब करने ही वाले हैं, जैसे कि आपने मुझे पहले भी इतना प्यार दिया, 4000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं रिव्यूज़ जो बच्चे मेरे बारे में देते हैं, अगर कोई नया है इस चैनल पर तो वो चीज़ें देख सकता है जाके, ठीक है। और इसमें बिल्कुल फ्री आपको मैथमेटिक्स चैप्टर आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल मैथ्स के फ्री चैप्टर आपको कराए जाएंगे, कोई इसका चार्ज नहीं है, और पूरा कंप्लीट आपको चैप्टर जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में आपको एग्जाम में देखने को मिल सके, वो सारी चीज़ें अपना सारा एक्सपीरियंस जो जो मेरे पास है वो सारा मैं एक्सपीरियंस आपको डाल देता हूँ इन सारी चीज़ों में। और प्रीवियस ईयर सेट्स करना तो एक मतलब एक
वरदान ही है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। और वो सारी चीजें करके हम लोग आपको पता ही है कि अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और उन्हीं से ही एग्जाम बनना है। किसी को कोई इंक्वायरी हो तो मेल कर देना भाई मेरी ईमेल आईडी पे, व्हाट्सएप नंबर ये है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई डाउट आए किसी से पूछ लिया करो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो। और अब हमारा नया फोकस जो रहेगा वो CGL 2021 का एग्जाम रहेगा, तो आप लोग जुड़े रहें, कमेंट कर देना जो भी आपके रिव्यूज हों, प्रीशियस रिव्यूज बहुत अच्छे अच्छे दिए आपने, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे, थैंक यू।